इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो बॉलीवुड फिल्मों के अपडेट्स शेयर करूंगा। एक का नाम है फिर सुबह होगी और एक का नाम है साधना। ये दोनों आई थी 1958 में। पहले बात करते हैं फिर सुबह होगी, तो ये आई थी 4 अप्रैल 1958 को। फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी और ये एक बॉलीवुड ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था रमेश सहगल ने। आ जाते हैं कास्ट पर, तो इसमें राज कपूर, माला सिन्हा, रहमान, टुनटुन, नाना पलसीकर, लीला चिटनिस लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। बजट इसका एग्जैक्ट नहीं पता चला। कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था वो था 90 लाख रुपए का और इंडिया का जो लाइफटाइम ग्रॉस कलेक्शन था वो था 1 करोड़ 80 लाख रुपए का। अब रही बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिर सुबह होगी बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इसी कलेक्शन के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 1958 की नंबर 4th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म शामिल हुई थी बॉलीवुड की। और इसकी जो स्टोरी है एक नॉवल पर बेस्ड है। नॉवल का नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट जो पब्लिश हुई थी 1866 में यानी 1886 में। अब करते हैं फिल्म के गानों की बात। फिल्म के अंदर टोटल 7 गाने थे। गाने कंपोज किए थे मोहम्मद जहूर खयम, जिनको प्यार से खयम के नाम से जाना जाता है। अब इसके मैं लिरिक्स की बात करूं तो वो लिखे थे सहीर लुधियानवी ने। अब सिंगर्स पर आ जाते हैं, तो गाने गाए थे मुकेश जी, आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी जी। अब आ जाते हैं दूसरी फिल्म जिसका नाम है साधना। ये आई थी 4 अप्रैल 1958 को। फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी और ये एक बॉलीवुड फैमिली ड्रामा फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस किया था B.R. चोपड़ा ने। राइटर की बात करें तो राइटर यानी जिन्होंने डायलॉग लिखे थे, स्टोरी लिखी थी और स्क्रीन प्ले किया था, उनका नाम है मुखराम शर्मा। अब आते हैं कास्ट पर, तो इसमें वैजयंती माला, सुनील दत्त, लीला चिटनिस, राधा कृष्णन, उमा दत्त और रवि कांत लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। बजट इसका एक्चुअल नहीं पता चला। कलेक्शंस की बात करें तो इंडिया का जो लाइफटाइम नेट कलेक्शन था वो था 80 लाख रुपए का और इंडिया का जो लाइफटाइम ग्रॉस कलेक्शन था वो था 1 करोड़ 60 लाख रुपए का। अब रही बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि साधना बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी और इसी कलेक्शन के साथ ये फिल्म बॉलीवुड की 1958 की नंबर 5th हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म साबित हुई थी। अब करते हैं फिल्म के अवार्ड्स की बात, तो फिल्म को टोटल 2 अवार्ड्स मिले थे 6th फिल्म फेयर अवार्ड्स में। एक था बेस्ट एक्ट्रेस का जो मिला था वैजयंती माला जी को और एक था बेस्ट स्टोरी का जो मिला था मुखराम शर्मा जी को। अब करते हैं गानों की बात, तो साधना के अंदर टोटल 7 गाने थे। गाने कंपोज किए थे दत्ता नायक ने, लिरिक्स लिखे थे सहीर लुधियानवी ने। अब सिंगर्स की बात करें तो गाने गाए थे लता मंगेशकर जी, मोहम्मद रफी जी, गीता दत्त, आशा भोसले जी और भूपिंदर सिंह। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।